लेकर भी बार बार जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल महिलाओं के पहनावे पे उठाया जाता है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी का, ये पहले भी तो था, तब नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ खोट मेरी सोच में है, तुम्हारी कपड़े में नहीं है, तो मुझे अपने को सुधारना होगा। और ये बिल्कुल सही कहा प्रसन्न ने कि वो कब उनको जो डंडे पड़ेंगे ना, पहले जो हमारे वक्त पढ़ते थे यार, या आजकल डंडे नहीं है, इमीडिएट तुम्हारे ये आते हैं, कौन अपने सवाल पूछने को मानवाधिकार वाले जो इनको मारा, अरे यार आयोग क्या, अभी हमारी बच्ची को बहन को अगर ऐसे ये करेंगे तो मैंने कहा ना कि मैं तो सर तोड़ दूंगा यार, बाद में मेरा जो करना है वो कर लो। नाना आपका आइडिया फॉर इंडिया क्या है? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि तेरे हंसी के लिए मुझे बहुत मेहनत करने का, जब जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि तेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए मैं कष्ट उठाता था, वही वो वापस आना चाहिए, आजकल वो नहीं है। मैं